जय माँ सरस्वती। अब हम भैरव थाट से उत्पन्न हुई एक बहुत ही महत्वपूर्ण राग आपको बताएंगे, जो कि राग भैरव है। और जैसा कि आप में से कई लोगों ने इसका नाम पहले भी सुन रखा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि राग भैरव जो है वो उसका वादी स्वर हम ध लेते हैं और संवादी रे लेते हैं। दो स्वर उसमें कोमल प्रयुक्त होते हैं जो कि हैं रे और ध। और उसका मैं आरोह आपको गा के बताती हूँ। उसका आरोह कुछ इस प्रकार है। तो कि जैसा आपने देखा, इसका आरोह अवरोह में रे और ध आपको लगा होगा कुछ अलग हैं, तो वो कोमल स्वर हैं इसमें जो प्रयुक्त हो रहे हैं। और इसका गायन समय तो ज्यादातर आप लोग जानते ही होंगे, प्रातः काल जो होती है, संधि प्रकाश की जो बेला होती है उसमें हम इसको गाते हैं। संधि प्रकाश मतलब जो सुबह जब सूरज उगने वाला होता है तब इसका गायन समय होता है। और वादी संवादी स्वर मैं आपको बता ही चुकी हूँ, वादी स्वर ध होता है और संवादी रे होता है। और इसकी पकड़ कुछ इस प्रकार है। और इसमें ध और रे को हम आंदोलित करते हैं, मतलब काफी देर तक उसको मतलब गाते हैं आलाप में। तो राग भैरव का मैं आपको एक छोटा ख्याल गा के सुनाऊंगी, जो कि है जागो मोहन प्यारे, जो कि बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही मतलब प्रचलित है। तो जागो मोहन प्यारी, जागो मोहन प्यारी, सावरी सूरत मुरी मन भावे, सुंदर लाल हमारी, जागो आपको इसके कुछ आलाप और तान भी बता दूं। आलाप जो कि मतलब जो धीमी गति में चलता है, जैसे कि जागो मोहन प्यारी, सारे सा धनी सा गमरे सा, जागो जैसे मैं आपको इसकी दो ताने भी गा के सुनाती हूँ, जो कि द्रुत गति में होती है। जागो मोहन सारे गम पदे नी सा सारी धप मगरे सा, जागो मोहन आ, जागो मोहन धप मप गम धप मगरे सा, जागो मोहन प्यारी। ये इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसमें जो फिल्मी गीत है वो एक गीत है सांवरे करके, लता जी की आवाज में। सांवरे सांवरे जाओ सा, जाओ सावरी सावरी, काहे मोसे करो जोरा जोरी, बैया ना मरोड़ो मुरी, दूंगी दूंगी गारी।
तो ये जो गीत है वो लता जी की आवाज़ में है, जो कि एक फिल्मी गीत का उदाहरण है। इसी के साथ हम समाप्त करें।